फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लापसी, जो कि गेहूं के दलिये से, यानी जिसको हम बाड़ कहते हैं, उससे बनती है। और शुभ और मांगलिक अवसरों पर भी लापसी को बनाया जाता है, कई त्योहारों पर भी बनाया जाता है हमारे राजस्थान में। तो आइए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं लापसी। तो फ्रेंड्स, लापसी बनाने में हम क्या क्या सामग्री काम में लेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है बाट, जो कि गेहूं का दलिया होता है, उसको हम राजस्थानी में बाट कहते हैं। गेहूं का दलिया यानी ये मैंने 150 ग्राम लिया है। 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि गुड़ थोड़ा हल्का मीठा है, तो इसको 200 ग्राम हम, इससे मीठा अच्छा हो जाएगा। और ये है हमारा नारियल, जो कि गोटा कहते हैं, जिसको हम सूखा नारियल होता है, जो उसको हम भिगो के मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़े काट दिए हैं, वो इसमें लापसी में खास करके डाले जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी बादाम भिगो के मैंने काट के रखी है। ये है इलायची, 6 से 7 इलायची है जो मैं पीस के रखूंगी दाने निकाल के, और घी। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। पहले करीब 3 टेबल स्पून मैं इसमें घी डालूंगी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसके अंदर थोड़ा घी अच्छा होता है, अच्छी बनती है लापसी। हमारी जो भी राजस्थानी चीजें हैं, मीठी चीज है, तो थोड़ा बहुत उसमें घी तो फ्रेंड्स उसमें ज्यादा लगता ही है। और मैंने आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाई है जिसमें थोड़ा घी लगता ही है। कई चीजों में घी नहीं हो तो वो चीज अच्छी भी नहीं बनती है। घी गर्म हो गया है हमारा, हमने 2 इलायची ऐसे क्रश करके इसके अंदर हम डाल देंगे घी के अंदर, से इसमें घी में अच्छी खुशबू हो जाएगी इलायची की। अब हम हमारा ये जो बाट है, यानी कि दलिया, गेहूं का दलिया है ये देखिए आप, ऐसे मोटा मोटा थोड़ा, तो हम इसको इसमें डाल देंगे दलिये को। 150 ग्राम दलिया लिया मैंने, इसको इसके घी के अंदर भून लेंगे हम अच्छे से। दलिये को थोड़ा ब्राउन कलर होने तक इसको भूनेंगे हम, इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और हल्का ब्राउन कलर का हो जाएगा ये। ज्यादा भी काला नहीं करना है इसको, सुनहरा कलर आने तक इसको हम इसमें घी में सेकेंगे। इसको हम सुनहरा भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे इसको पकाने के लिए, और ढक्कन ढक के इसमें रख देंगे हम पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक, ताकि अच्छे से गल जाएगा ये गेहूं का जो दाना है हमारा। जब तक हम ये जो गुड़ है उसका पानी, थोड़ा पानी में डाल के इस गुड़ को, गुड़ का पानी बना लेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है, वो इस पानी छान के फिर इस लापसी में वो गुड़ का पानी डालेंगे हम। फ्रेंड्स, पहले ये जो दलिया है, जो हमारे लापसी का एक विशेष रूप से आता था बाजार में, वो थोड़ा मोटा होता था। आजकल तो इतना बारीक ही आता है, इससे भी थोड़ा मोटा बनता था वो, खास करके लापसी के हिसाब से ही वो गेहूं को दला जाता था। पर अब आजकल ये इसी तरह का आता है, तो इसकी लापसी बनाई है मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये भुन गया हमारा, ज्यादा इसको काला भी नहीं करना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। करीब 2 से 3 कप करीब पानी मैंने डाल दिया है, ताकि अब इसको हम ढक देंगे। यदि आपको बीच में देख लें आप इसको दाने को दबा के, यदि कच्चा लग रहा है तो आप थोड़ा पानी और डाल के पका सकते हैं। इसको अब हम ढक देंगे, ताकि ये दाना है जो गेहूं का अच्छे से पक जाएगा पानी के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गुड़ लिया है हमने, इसको हम इसमें भगोनी में डाल देंगे। और ये पानी हल्का सा, इसमें ज्यादा भी, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि हमारा बाट पहले से पक जाएगा, तो इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए आप, बस ये गुड़ इसमें गल जाएगा, तब ये गुड़ का पानी छान के मैं आपको बता दूंगी। अब एक तरफ ये हमारा बाट पक रहा है, जो दलिया है, और ये हम इसको एक तरफ रख के थोड़ा पानी को गर्म कर लेंगे, ताकि गुड़ गल जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो लापसी है वो पक गई है मानी, यानी कि जो दलिया हमारा गेहूं का, जिसको हम बाट कहते हैं, वो देखिए आप, इसका दाना आप ऐसे लेके हाथ से दबा के देख लें, अच्छे से दबने लगे, यानी ये गल गया है। यदि हम इसको मीठा इसमें डाल देंगे, गुड़ या शक्कर जो भी आपको डालनी है वो यदि हम पहले ही डाल देंगे, तो ये दाना हमारा गलेगा नहीं। ये जो इलायची हमने बगाड़ में डाली थी, उसको मैं अब निकाल देती हूँ। ये मैंने निकाल दी इलायची। अब हम इसके अंदर
ये जो गुड़ का पानी है, ये पानी हम इसके अंदर, ये गुड़ का पानी मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए आप ऐसे छान ले इसको, पानी को आप बस। अब ये थोड़ा बहुत जो दलिया हमारा रह गया है वो इसी में पक जाएगा, गुड़ के पानी में। करीब करीब पक ही गया ये, और अब ये जो गुड़ का पानी है ये सूखने तक हम इसको पका लेंगे, और ये इसमें मीठा अच्छे से हो जाएगा। जो हमारा ये गेहूं का दाना है वो भी अच्छे से मीठा हो जाएगा, और ये गुड़ का पानी सूख जाएगा और ये घी छोड़ देगी, तब हमारी लापसी रेडी हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर साथ ही में ये जो नारियल है वो अब हम इसमें डाल देंगे, जो भिगो के मैंने गोटा जिसको कहते हैं सूखा नारियल उसके टुकड़े मैं डाल रही हूँ, ये इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और मैंने बादाम काट के रखी है, तो बादाम और इलायची हम ये जब हमारा पानी थोड़ा सूख जाएगा फिर बाद में डालेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा पका लेंगे, जब तक ये हमारा मीठा पानी जो कि गुड़ का है वो सूख जाएगा, तब तक इसको पका लेंगे। और ये सूखेगा और थोड़ा घी छोड़ देगी हमारी लापसी, तब हमारी लापसी रेडी हो जाएगी। फिर ऊपर से हम इलायची पाउडर और बादाम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा गुड़ का जो हमने पानी डाला था बिल्कुल सूख गया है, और अब ये घी छोड़ने लगे है। देखिए अब किनारे से अलग होने लगी है हमारी लापसी। अब हम ये हल्का सा थोड़ा गीला है, तब इसमें हम थोड़ा सा ये जो इलायची का पाउडर है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पीस के रखी थी, वो इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, और थोड़े से बादाम जो मैंने भिगो के और काट के रखे थे, और नारियल हमने पहले डाल दिया था। अब हमारी लापसी ने देखिए घी छोड़ दिया और अच्छे से पक भी गई है। बस हम थोड़ा सा इसको एक दो मिनट में बस इसको हम बंद कर देंगे, हमारी लापसी अब रेडी है। तो लीजिए फ्रेंड्स अब हमारी लापसी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी लापसी तैयार है। इसे राजस्थान में शुभ और मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है, कई त्योहारों पर भी इसे बनाया जाता है। तो लीजिए इसे आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी।